सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली माताओं की कैटेगरी में कैसे भेजना है, और जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे का एंट्री हमें 0 से 6 मंथ वाले कैटेगरी में कैसे करना है। इससे पहले जब आप लोग गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ट्रांसफ़र करते थे, यानी माइग्रेट करके आप लोग आसानी से एक गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली कैटेगरी में भेज देते थे, और यहाँ पे 0 से 6 मंथ के बच्चे यानी जिसका भी जन्म हुआ था उसका एंट्री आप लोग यहाँ पे आसानी से कर देते थे। लेकिन अब आप लोगों को कुछ सावधानियाँ बरतनी है, जैसे कि अब जब भी आप लोग गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ट्रांसफ़र करेंगे तो जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे का आधार वेरीफाई साथ ही साथ करते चलना है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आपको ट्रांसफ़र करना है और आधार वेरिफिकेशन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी नई आंगनबाड़ी सेविकाएं इस चैनल के साथ जुड़ना चाहती हैं वो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, जैसा कि हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, गर्भवती महिलाओं की कैटेगरी है और यहाँ पे 9 गर्भवती महिला है और यहाँ पे 7 स्तनपान कराने वाली महिला है। तो एक गर्भवती महिला को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है उसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि किस गर्भवती महिला को हमें माइग्रेट करना है, और यहाँ पे कल्पना कुमारी, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये जो गर्भवती महिला है इसका जो डिलीवरी है वो हो चुका है, तो अब हम इसको स्तनपान कराने वाली महिलाओं की कैटेगरी में भेजने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे बगल में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन आ जाता है, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं इस पर क्लिक नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे डिलीवरी की तारीख डाल देना है। तो आपको डिलीवरी की तारीख यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमने डिलीवरी की तारीख डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विस्थापित, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा क्या आप वाकई इस लाभार्थी रिकॉर्ड को स्तनपान कराने वाली माँ श्रेणी में माइग्रेट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ठीक वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाभार्थी सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया। अब इसके बाद आपको बच्चे का सूचना आपको इसमें पंजीकृत करना है। जैसे ही माइग्रेट करेंगे तो उसी टाइम आपका जो 0 से 6 मंथ वाले बच्चे की कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको सावधानीपूर्वक बच्चे के माँ का आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार संख्या आपको फिल करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चे का नाम एंटर कर देना है और यहाँ पे बच्चे का आधार संख्या पूछ रहा है। तो अगर बच्चे का आधार संख्या नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन बंद हो जाएगा और यहाँ पे उसके माँ का आधार का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, माँ के आधार अपने पास रखिएगा और माँ के आधार पे जिस प्रकार से आधार नंबर दिया रहेगा उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे के माँ का जो जन्म तिथि है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर जैसे कि माँ का आधार कार्ड नहीं है तो आप लोगों को एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग पिता का आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है मदर डज नॉट हैव आधार। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिता का आधार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पिता का आधार आप लोग डाल दीजिएगा, आधार नंबर, यहाँ पे पिता का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग यहाँ पे पिता का आधार कार्ड डाल रहे हैं तो यहाँ पे मेल फीमेल का जो ऑप्शन दिया गया है इसको आप लोग सावधानीपूर्वक भरिएगा। अगर ये आप लोग नहीं करते हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उसमें एरर की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि पिता का आधार डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेल सिलेक्ट करना है, माँ के आधार में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेल फीमेल सिलेक्ट करने का, लेकिन पिता के आधार में ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पे
बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना है कि बच्चा मेल है या फीमेल है, यानी लड़का है तो मेल पे क्लिक करेंगे और लड़की है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम एंटर कर देना है। अगर पिता के आधार से वेरीफाई कर रहे हैं तो पिता का नाम यहाँ पे सही सही जिस प्रकार से आधार पे दिया रहेगा उस प्रकार से आपको एंटर करना है। अगर स्पेस दिया रहेगा तो आपको स्पेस भी डाल देना है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर अगर माता के आधार से आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं तो माता का आधार नंबर सही सही जो भी स्पेलिंग दिया रहेगा उसको यहाँ पे डाल देना है। और अगर स्पेस है जैसे कि कल्पना कुमारी, यानी कल्पना कुमारी में एक बीच स्पेस है तो आपको स्पेस भी वहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे माता या पिता जो भी हैं उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, जो अपने गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भी आप लोग डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे के जन्म का समय वज़न लिखना है। जैसे कि वज़न आपको किस प्रकार से लिखना है, अगर मान लीजिए 3 किलो 500 ग्राम का बच्चा है तो आपको यहाँ पे 3.5 लिख देंगे तो ये 3 किलो 500 ग्राम बच्चे का वज़न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बच्चे का हाइट डालना है तो आप लोग कैसे डालेंगे, मान लीजिए कि बच्चे के जन्म के समय वज़न लगभग 42 से 45 या 46 आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी हो आप लोग यहाँ पे उस बच्चे का हाइट आपको सेंटीमीटर में डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। चलिए पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने उस बच्चे का सारा डिटेल्स फिल कर दिया है। माँ के आधार से हम यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं, तो माँ का आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और माँ का जिस प्रकार से नाम है वो हमने डाल दिया है। जन्म के समय का वज़न और जन्म के समय का जो हाइट है वो हमने डाल दिया है। डालने के बाद अब यहाँ पर हम सबमिट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ गया है, ऐड अनदर बेनिफिशरी और यहाँ पे गो टू होम। अगर दूसरे बच्चे का यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऐड अनदर बेनिफिशरी पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप यहाँ पे किसी और बच्चे का एंट्री नहीं करने वाले हैं तो गो टू होम वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे हम गो टू होम वाले पे क्लिक करेंगे तो अब हमें आके यहाँ पे बेनिफिशरी वाली कैटेगरी में चेक करना है कि जिस भी गर्भवती महिला को हमने माइग्रेट किया वो यहाँ से इस कैटेगरी में आई है या नहीं, और जिस भी बच्चे का हमने यहाँ पे एंट्री किया वो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 गर्भवती महिला थी तो यहाँ पर 8 हो गई है, और 7 गर्भवती महिला थी तो 8 हो चुकी है, यानी कि एक गर्भवती महिला यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होकर आ चुकी है, जबकि यहाँ पर 7 बच्चे थे तो 7 ही बच्चे का यहाँ पर नाम शो कर रहा है, एक बच्चा भी यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा दें कि कल्पना कुमारी के नाम से हमने माइग्रेट किया था इस गर्भवती महिला को, तो उसका नाम यहाँ पे शो हो चुका है। और यहाँ पे जो बच्चों वाली कैटेगरी है यहाँ पे हमने राजा कुमार के नाम से जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है वो नाम अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है, 24 आवर्स के अंदर आपके जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किए हैं वो यहाँ पे दिखाने लगेगा। और जब भी आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कीजिएगा तो ये रिफ्रेश वाला ऑप्शन ज़रूर आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे का आपने एंट्री किया या जो भी कुछ भी आपने पोषण ट्रैकर ऐप में काम किया है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सक्सेसफुल यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।